आप फुम्बू का स्वागत है। मैं हूं अनिश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आप फुम्बू को बताने वाला हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है उसके बारे में, और आप फुम्बू को बताने वाला हूं वेटनरी फर्स्ट राउंड का कटअप बताने वाला हूं। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट कर दिया गया है, उसका कटअप बताने वाला हूं, और भी एमसीसी ने जारी किया उसके बारे में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड एनटीए नोटिस के बारे में। तो आप फुम्बू को बता दूं कि एनटीए ने नोटिस जारी किया है, जैसे जेईई मेंस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं और वहीं पे पेमेंट कराने को कहते हैं, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट फंस चुके हैं, जिसको लेकर एनटीए के पास बहुत सारे कंप्लेंट पहुँचे। तो एनटीए ने प्रॉपर अपने वेबसाइट पे ये नोटिस जारी किया। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ, चाहे आप नीट के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हो, आप कभी भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करें तो इन सब वेबसाइट से दूर रहें, क्योंकि आपका पर्सनल डाटा ये सब ले लेंगे और बार बार आप सभी को परेशान करेंगे काउंसलिंग टाइम पे। तो आप सभी बचे। अगर आप सभी को नहीं पता है वेबसाइट के बारे में, तो सिंपल nta.ac.in वेबसाइट पे विजिट करें। वहीं पे मतलब एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उन सभी का वहां पे लिंक से मिल जाएंगे आप सभी को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वेटनरी काउंसलिंग के बारे में। अब आप सभी को बता दूं वेटनरी फर्स्ट राउंड कटअप के बारे में। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी का बता दूं, तो जनरल कैटेगरी में मार्क्स 544 रहा, ऑल इंडिया रैंक 52,792 पे सिलेक्शन हुआ। ओबीसी ऑल इंडिया रैंक 53,421 और मार्क्स रहा 544। एससी 1,50,298 रहा और मार्क्स रहा 432। एसटी 1,59,217 ऑल इंडिया रैंक रहा और मार्क्स है 423। यूवर पीएच 6,60,406 रहा और मार्क्स रहा 153। ये रहा वेटनरी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग। अगर आप सभी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो इजीली ले सकते हैं। और एक और अपडेट्स आप सभी को दे दूं, अगर आप सभी एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही अन एकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अन एकेडमी कल रैंकर्स बैच फ्रेश स्टार्ट कर रहा है 18 जनवरी से। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आप सभी को पढ़ाएंगे और लाइव क्लास में आप सभी डेडिकेटेड डाउट सॉल्व करा सकते हैं। लाइव क्लास में आप सभी कुछ भी पूछ सकते हैं, आप सभी को सभी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक बात बता दूं, आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से अन एकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप सभी को सर्च करना है एमएसटी सीईटी, वहां से ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे रखा है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप सभी रैंकर्स बैच का जो प्रॉपर बैच है उस पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और यहां पे आप सभी को मिल जाएगा जो भी टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाने वाले हैं, सबका यहां पे दे रखा है। तो आप सभी इनका पहले स्पेशल फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं। आप सबको अच्छा लगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैक भी ले सकते हैं। और अगर आप सभी स्मार्ट नौकरी अप्लाई करते हैं तो 10% का आप सबको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने सभी का इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहां से ज्वाइन करें अर्निंग के भी। मूव करते हैं अगले अपडेट की तरफ। आप सबको बता दूं कि अगर आप सभी ने जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जेईई मेंस ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर दिया है। अब 23 जनवरी तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं और 24 जनवरी तक आप सभी को पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। और अगर उसके बाद आपने कोई गलती किया है तो करेक्शन स्टार्ट हो रहा है 27 to 30 जनवरी तक। आप सभी इसके बीच में करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप सभी का एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। और एक और अपडेट्स आप सभी को दे दूं कि एमसीसी का जो भी 15% का काउंसलिंग था कंप्लीट हो गया है। अब एमसीसी का कोई भी काउंसलिंग बचा नहीं है, स्टेट का भी चल रहा है। तो एमसीसी ने अपडेट्स दिया है कि 2 फरवरी से 2 फरवरी से सभी एमबीबीएस बीडीएस का क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने एडमिशन ऑलरेडी कॉलेज में ले रखा है तो आप सभी 2 फरवरी से क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका एडमिशन इस बार नहीं हुआ है तो आप कोशिश करें कि अगली बार आप मेडिकल कॉलेज में जरूर पहुंचे। बस मुझे आप सबको इतना ही बताना था, अभी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।